हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। इवन स्टार्टिंग में मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि अगर सेंटेंस की बात आती है सो ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो इन्हीं सेंटेंस में गलती करते हैं। और कन्फ्यूजन क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ठीक है, इन सेंटेंस में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, कि कब कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, और मुझे लगा कि आप सबको पता होने चाहिए। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि एंड तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट यहाँ से होती है, जब हम सेंटेंसेस सीखते हैं तो हम उनकी पहचान रटते हैं, ठीक है, हम रट्टा मारते हैं, और इवन हमें जो सेंटेंस दिए जाते हैं वो भी सेम उन्हीं पहचानों वाले सेंटेंस दिए जाते हैं। लेकिन बाद में जब हम नॉर्मल स्पोकन में आते हैं सो हमें कई सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जो उस तरह से ख़त्म ही नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, हमने सेंटेंस सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने कैसे सीखा है, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने सीखा है कि चुका है, चुकी है, आता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में, आप खुद सोचो, आप कितनी बार बोलते होगे इस तरीके के कि मैं खाना खा चुका हूँ। हम क्या बोलते हैं, सिंपल, खाना खा लिया, ठीक है, खा चुका हूँ, हम दोनों बोल देते हैं, ठीक है, तुमने खाना खा लिया, हाँ मैंने खा लिया, हम इस तरह से बोलते हैं। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये सेंटेंस कौन सा है, दिमाग हमारा ये बोलता है कि तो पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तो पास्ट में हो गई तो ये तो पास्ट का सेंटेंस होना चाहिए, क्योंकि या ही, ये तो हमें यही सिखाया गया था कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। सो ऐसी चीज़ों में कन्फ्यूज हम इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ रटी हुई होती है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पहचान बताऊंगा कि जिस सेंस की क्या पहचान है, इस सेंटेंस के सेंस की क्या पहचान है, कि आपको सेंस समझ में आ जाएगा। और जब आपको सेंस समझ में आ जाएगा ना, सो थोड़े टाइम तक तो आप सोच के इंटेंशनली उस चीज़ को यूज़ करोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। जो आपका अवचेतन दिमाग है वो सबसे ज़्यादा एक अच्छा रोल निभाता है स्पोकन में, या फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सब चीज़ों में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि हम जब कोई भी काम ऐसा होता है ना जो बिना सोचे हम करते हैं, जिसके बारे में सोचना ही नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है। जैसे कि आप सुबह उठते हो, उठते ही आपका क्या है, मतलब उठ के आपने ब्रश करना शुरू कर दिया, आप इस बारे में सोचते ही नहीं हो कि मैं ब्रश को ऐसे पकड़ूँ, फिर उसके ऊपर ऐसे पेस्ट करूँ, उसको ऐसे ऐसे घुमाऊँ। आप इतनी बार उस चीज़ को कर चुके होते हो कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं होता। सेम नहाते टाइम आपको सोचना ही नहीं होता, आपका हाथ सेट है कहाँ साबुन लगाना है, किस तरह से साबुन लगाना है। सेम जब अपना अपना बदन आप पोंछते हो टॉवल से, तो ये चीज़ें होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो सेम चीज़ अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये सेंटेंस ना, चुका है, चुकी है, वो आप साइड में रख दो थोड़ी देर के लिए, चुका है, चुकी है, मैं आऊँगा इसके ऊपर भी, लेकिन पहले मैं आपको इस सेंटेंस का सेंस समझाता हूँ। ये सेंटेंस वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, जहाँ पे कोई भी काम किया पास्ट में गया है, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, वो होते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, ठीक है। साथ ही साथ, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ, साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वो होते हैं सेंटेंस जो काम पास्ट में हुआ उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ, दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक है कि मैंने ये बोला, मैंने खाना खा लिया, मैंने एक तो ये बोला कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब क्या है, वो खाना मेरे पेट में है, मतलब अब मुझे भूख नहीं है। तो अगर सिचुएशन ऐसी है, आप इस सेंस में बोल रहे हो कि भाई मैंने खाना खा लिया, मुझे अभी भूख नहीं है, वो सेंस आपका परफेक्ट में जाता है, आई हैव ईटन या आई हैव टेकन, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैंने खाना खाया था, ठीक, अगर मैं किसी को बोल रहा मैं सुबह खाया था मैंने खाना, सो मतलब वो खाने का जो इफेक्ट है वो खत्म हो चुका है, मुझे फिर भूख लग रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, एक इंसान को मैं बोल रहा हूँ मैं कल दिल्ली गया था, ठीक, मैं कल दिल्ली गया, अब अगर मैं दिल्ली से वापस आ चुका हूँ, ठीक है, अगर मैं दिल्ली से वापस आ चुका हूँ तो वो इफेक्ट खत्म हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कि मैं कल दिल्ली गया, ठीक है। अगर मैं दिल्ली में ही हूँ, चाहे मैं कल गया था, ठीक है, सो यहाँ पे मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बोलूँगा। क्यों, जैसे कि अगर मैंने किसी को बोला
मैं दिल्ली आ गया हूँ या फिर मैं दिल्ली में उस टाइम पे हूँ, मैं कल निकला था, सो आई हैव कम, निकला कब था वो तो मैं कल ही आया था, लेकिन मेरे आने की जो इफेक्ट है वो अभी भी है, मैं अभी भी दिल्ली में हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। अब मान ली एक मूवी की बात करते हैं, अगर मैंने कोई मूवी एक देखी है, मुझे वो याद है अभी भी, मुझे अच्छे से याद है, सो वहाँ पे हैज़ हैव वाला सेंटेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। यहीं पे ही अगर मैंने कोई एक मूवी देखी है और मुझे वो याद ही नहीं है, उसका इफेक्ट खत्म हो चुका है मूवी का, तो यहाँ पे आप इंडेफिनिट वाला सेंटेंस लगाओगे पास्ट का, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ आई हैव सीन या आई हैव वॉच दिस मूवी, आई हैव वॉच दिस मूवी, कि तो मैं ये मूवी देख चुका हूँ, मुझे नहीं देखनी क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है, ठीक है। मैं किसी को बोलूँ मैंने मूवी देख ली है, देखी हुई है, आप ये भी समझो, देखी हुई है मेरी, मैं देख चुका हूँ, मैंने देख ली है, आप इस सेंस को जब बोल रहे हो, तो काम मैंने कब किया, पास्ट में देखी थी, कब मैंने पास्ट में देखी थी, चाहे मैंने कल देखी हो, चाहे मैंने लास्ट वीक देखी हो, या मैंने लास्ट मंथ देखी हो, वो मैंने देखी पास्ट में थी। इफेक्ट अभी भी है कि मुझे मूवी याद है, अब नहीं देखनी मुझे, मैं इसको देख चुका हूँ। एक मूवी ऐसी चल रही है कि जो मैंने देखी थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है, जो मैंने देखी थी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन सो वहाँ पे आई सॉ या आई वॉच दैट मूवी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएगा कि अगर मैंने किसी को बोलूँ हाँ यार मैंने मूवी देखी हुई है, तो यहाँ पे तो मुझे इफेक्ट है उस चीज़ का, मेरी देखी हुई है, सो यहाँ पे इफेक्ट है, मुझे वो मूवी याद है, सो हैज़ है। मैंने किसी को बोलूँ मैंने मूवी देखी थी, ठीक है, मैंने मूवी देखी थी लेकिन मुझे याद नहीं है, आई वॉच दैट मूवी। अब अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलोगे आई हैव वॉच दैट मूवी बट आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, सो सेंस तो इसका बिल्कुल ठीक चलेगा कि मैं ये मूवी देख चुका हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही एक तरीके से बोलनी हो आई वॉच दैट मूवी बट आई डोंट रिमेंबर, मैंने मूवी देखी थी मुझे याद नहीं है, ठीक है, सो ये चीज़ होती है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में फ़र्क। अब तीसरा सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होते हैं, अब हमने ये चीज़ सीखी अभी कि कोई चीज़ पास्ट में हुई, ठीक है, और पास्ट में खत्म हो गई, उस चीज का इफेक्ट अभी नहीं है, सो ये सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट में हुई, पास्ट में ही खत्म हो गई लेकिन उसका इफेक्ट अभी नहीं है, ठीक है। द बस लेफ्ट द बस स्टेशन, मैंने ये बोला कि बस जो थी वो बस स्टेशन से निकल गई थी, ठीक है, एक तो हो गया ये, लेकिन अब सेंटेंस आपने ऐसे इस तरह के कई सारे सुने होंगे, द बस हैड लेफ्ट। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है ना, द बस हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये सेंटेंस कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसा सेंटेंस क्यों बना। देखिए पास्ट परफेक्ट सेंटेंस तब यूज होता है जब किसी चीज से पहले कोई काम हो गया, मतलब पास्ट का भी पास्ट, समझ रहे हो, पास्ट का भी पास्ट। मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, ठीक है, सो आई एट, ठीक है, आई हैड कुछ भी लगा था, आई एट माई फूड, ठीक है, आई टुक माई फूड, मैंने ऐसे बोल दिया, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना खाया, एंड आई वेंट टू प्ले, और मैं खेलने के लिए चला गया, ठीक, दोनों चीज़ें पास्ट में हुई, मैंने खाना खाया और मैं खेलने के लिए चला गया, आई टुक माई फूड एंड आई वेंट टू प्ले, दोनों चीज़ें पास्ट में हुई। अब अगर मैं किसी को ये बोलूँ कि मैं खेलने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, कि मैं जब मैं खेलने गया था तो वो पास्ट की बात है, जब मैं खेलने गया था वो भी पास्ट में हुआ, पास्ट के पास्ट में, उससे भी पहले मैंने क्या किया, मैंने खाना खा लिया था। अब खा लिया था, चुका था, चुकी थी, इस तरीके से सुना है ना हमने, सीखा तो इस तरीके से, ये चुका था, चुकी थी, ठीक है। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ मैं खाना खा चुका था, सो ये जो सेंस आएगा कि मैं खाना खा चुका था, ये ऐसे सेंस में आएगा जब पास्ट की कोई बात ऑलरेडी चल रही है। अगर किसी ने मुझे बोला कि तूने पार्टी में खाना क्यों नहीं खाया, ठीक है, तब मैं बोलूँ भाई तेरे आने से पहले ही मैं खा चुका था, तो तू कब आया, तू भी पास्ट में आया, तेरे आने से पहले ही मैं खाना खा चुका था, वो चीज़ कब हुई, पास्ट के भी पास्ट में, ठीक है, कि तुम आए 8 बजे और मैंने खाना खा लिया 7:30 बजे, तो तुम पास्ट में 8 बजे आए थे, कल तुम पार्टी में 8 बजे आए थे लेकिन मैंने खाना 7:30 बजे खा लिया था, तो पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट। अब आपने बहुत ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल है, वो कॉमन एग्जांपल इसका क्या है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पास्ट में काम हुआ, मैं स्टेशन पहुँचा, वो पास्ट में ही हुआ था कि मैं स्टेशन पहुँचा, उसके भी पास्ट में क्या हुआ, उससे भी पहले क्या हुई, ट्रेन जा चुकी थी,
ठीक है, ये हमने सबसे कॉमन एग्जांपल सुना हुआ है पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जब हम सीखते हैं, ठीक है। सो इस सेंटेंस से आप समझने की कोशिश कीजिए कि पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। और एक चीज आप इस चीज में इस सेंटेंस में याद रखिए, जब भी हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो दो सेंटेंसेस चलते हैं ज्यादातर। कई बार स्पोकन में आप देखेंगे कि सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट ही आ जाएगा कि आई हैड ऑलरेडी ईटन माई फूड, कि भाई मैंने पहले ही खाना खा लिया था, मैं पहले ही खाना खा चुका था, सिंपल भी आ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ना दो सेंटेंस साथ में चलते हैं, दो सेंटेंस, जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो यहाँ दो सेंटेंस हुए कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट में क्या हुआ, दोनों चीजें पास्ट में हुई, लेकिन पास्ट के पास्ट में क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, और उससे उसके बाद क्या हुआ, मैं आया था। तो जो बाद वाला सेंटेंस होता है ना, ठीक है, जिस सेंटेंस से पहले ही काम हो चुका था, जिस सेंटेंस से पहले ही काम हो चुका था, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो जो मेरे पहुंचने वाला सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, क्योंकि वो चीज़ पास्ट में हुई, उसका इफेक्ट कुछ नहीं है अभी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम्हारे पार्टी में आने से पहले वो जा चुकी थी, सिंपल सेंटेंस है, तुम्हारे पार्टी में आने से पहले वो जा चुकी थी। तुम 8 बजे आए थे, वो 7 बजे जा चुकी थी, या फिर तुम 8 बजे आए थे, वो 7 बजे चली गई थी। मैं ऐसे बोलूँ कि वो तुम 8 बजे आए, वो 7 बजे चली गई। सो तुम 8 बजे आए, ये भी पास्ट है, वो 7 बजे चली गई, ये भी पास्ट है। लेकिन ज़्यादा पुराना क्या है, ज़्यादा पुराना है वो चली गई। तो जो ज़्यादा पुराना है इन दोनों सेंटेंस में, वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, शी हैड गॉन, ठीक है, या शी हैड लेफ्ट द पार्टी, वो जा चुकी थी। जो ज़्यादा पुराना है वो जा चुकी थी, क्योंकि 7:30 बजे वो 7 बजे वो चीज़ हो गई। उसके बाद पास्ट में ही क्या हुआ, उसके बाद तुम आए थे। सो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, यू केम, ठीक है, यू केम। सो वेन यू केम इन द पार्टी, जब तुम पार्टी में आए थे, शी हैड ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुकी थी। सो ये तीन तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना पड़ेगा। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको समझा पाऊँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।